वेलकम हिज़ा इन द किचन। आज मैं आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए फेस मास्क बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान है और आप इजीली इसको घर में बना सकते हैं, क्योंकि मास्क जो है वो अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं, जो कि हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, और जो अफोर्ड कर भी सकता है तो उस मास्क को हम रीयूज़ नहीं कर सकते। उस मास्क को उसका डॉक्टर का ये कहना है कि आप उस मास्क को एक मरतबा ही पहन सकते हैं, उसके बाद आप उस मास्क को फेंक के दूसरा मास्क खरीदिए। तो ज़रूरी नहीं है कि हम वही मास्क यूज़ करें, हमने सिर्फ अपने चेहरे को ढकना है कि हमारे नाक और मुंह से वायरस जो है वो ना जाए। तो ज़रूरी नहीं है उसके लिए आप मास्क पहने, उसके लिए आप अपना दुपट्टा जो है, लड़कियाँ का तो यही होता है कि वो नकाब कर लें तो उससे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट हो सकती हैं, लेकिन लड़कों के लिए वो दुपट्टा नहीं कर सकते हैं, तो उनको मास्क पहनना ज़रूरी है। और मास्क, डॉक्टर का ये कहना है कि मास्क जो है सिर्फ वही पहने जिनको फ्लू या खांसी वगैरह है, क्योंकि ये फ्लू और खांसी जो है सिम्टम है कोरोना वायरस के, ज़्यादा हो तो तभी सिम्टम होते कोरोना वायरस के, आम फ्लू या खांसी को हम ये नहीं कह सकते हैं ये कोरोना वायरस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने मास्क बनाने की तरफ। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसके लिए हमें टिश्यू पेपर चाहिए, रिबन चाहिए, और उसके लिए हमें एक स्टेपलर चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने की तरफ। ये हमारे पास टिश्यू पेपर है, पंखा बनाते थे। सो गाइस, हमने टिश्यू पेपर ले लिया है, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया है। अब हमने इसको फोल्ड करना है, इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। बचपन में हम लोग जिस तरह पंखा नहीं बनाते थे, इस तरह फ़ोल्ड करना है। अब ज़रूरी नहीं हर किसी ने बचपन में पंखा बना के खेला हो, लेकिन मैंने तो पंखा बनाया हो, तो आपने इस शेप में जो टिश्यू पेपर है उसको करना है, फ़ोल्ड करना है। पहले वन साइड फोल्ड एंड देन बैक साइड। और मास्क बनाने से पहले ये आपको बहुत ज़रूरी है, आप हाथों पे ग्लव्स भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर ग्लव्स ना पहनना चाहें तो आप पहले अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लें साबुन से, और धोने का भी तरीके जो 7 स्टेप हैं उनसे धोएं। ठीक है गाइस, ये इसको थोड़ा सा यूं कर लें। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर से दबा देते हैं, और अब हम अपना रिबन जो है वो ले लेते हैं। 2 रिबन हमें इसके लिए चाहिए होंगे, तो ये हमने इसको पकड़ा और इस तरीके से हमने इसके अंदर से रिबन गुजारना है, और यहाँ पे हम इसको फोल्ड करके स्टेपलर कर देंगे। गाइस, अब हम इसको एक कोने से स्टेपलर कर रहे हैं। इसी तरह हम दूसरा रिबन लेकर इस कोने में भी लगाएंगे, और इसको भी हम फोल्ड करके स्टेपलर कर देंगे। अब हमने दोनों कोनों से पकड़ना है और इसको यूं खोल देना है। अब मैं आपको पहनने का तरीका, ये देखिए कितना खूबसूरत भी लग रहा है मास्क हमारा, इसको पहनने का तरीका अपने छोटे भाई पे बताऊंगी कि इसको किस तरह पहना जा सकता है। ये मैंने वीडियो से पहले एक और मास्क बना लिया था अपने लिए, तो चलिए अब मैं आपको पहनने का तरीका भी। तो ये मैं तकीर के ऊपर आपको पहनाना सिखा रही हूँ मास्क। इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे, पहले एक कान पर पहना देते हैं, मुँह मोड़िए, और हमें इसको दूसरे कान पे चढ़ा देते हैं, और आपने ज़्यादा नहीं इसको खींचना, बस ऊपर से लेकर नीचे तक इसको थोड़ा थोड़ा सीधा कर देना। तो ये हमारा मास्क तैयार है, मैंने आपको पहनने का तरीका भी बता दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारा, हमने कवर क्या करना है, अपना नोज कवर करना है, अपना माउथ कवर करना है, जो कि हमारा कवर हो चुका है। ये बिल्कुल असली मास्क की तरह लग रहा है। तो गाइस नहीं है, सो गाइज, ये मैंने आपको पहनने का तरीका बता दिया, आप देख सकते हैं कितना रियल हमारा लग रहा है फेस। तो गाइज, बहुत से ममालिकों में ये कोरोना वायरस फैल चुका है, तो एहतियात के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो दुआ कीजिए कि पाकिस्तान में भी जल्द अज जल्द कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए, हमारे तमाम इंतज़ाम जो हैं, वो निज़ाम जो हैं वो रुक गए हैं, धर्म भरम हो गए हैं। तो दुआ कीजिए, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए कीजिए, बाकी तमाम ममालिक के लिए भी कीजिए, कि अल्लाह ताला सबको सेहत याब करे और जल्द अज जल्द हमें कोरोना वायरस से महफूज करें। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो देखने। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इतने एक्सपेंसिव मास्क अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो जल्द से जल्द बनाएं और कोरोना वायरस से महफूज हो सकें। तो जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द हम कोरोना वायरस से महफूज हो सकें। और ये सदका ही जा रही है।